नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इतनी अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेकर आई हूँ। जितने भी हमारे साथी ने SGPGIM स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दिया था, जो कि एग्ज़ाम 22 मार्च 2023 को हुआ था, और किस लिए हुआ था? UP स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट फॉर ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, जिसको हम बोलते हैं श्वशाही राज्य चिकित्सा महाविद्यालय। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट नोट पढ़ लेते हैं। क्या नोट रहने वाला है? रिजल्ट इज़ प्रोविजनल एंड इज़ प्रोवाइडेड इन द ऑर्डर ऑफ रोल नंबर्स। तो जो ये रिज़ल्ट है, ये प्रोविजनल है और अभी फ़िलहाल के लिए इसको रोल नंबर वाइज प्रोवाइड कर रखा है आपको। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। यहाँ बोला गया है स्क्रीनिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, मेडिकल एग्जामिनेशन, काउंसलिंग एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ आर पेंडिंग प्रायर टू इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले आपका पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। इसके आगे दीज स्टेप विल बी डिसाइडेड एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन। जो भी यूपी के मेडिकल एजुकेशन वाले डायरेक्टर हैं, उनके सुपरविजन के अंडर में ही ये सब स्टेप्स होंगे आगे। फर्दर डिटेल विल बी नोटिफाइड बाय द DGMU ऑफिस थ्रू द ईमेल टू द कैंडिडेट्स। बाकी के जो फर्दर नोटिफिकेशन है, वो आपको थ्रू ईमेल कैंडिडेट्स को मिल जाएंगे। एनी फर्दर डिटेल्स ऑन दिस इशू विल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन डिसीजन आर टेकन एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे का जो डिसीजन है और जो नोटिफिकेशन है, आपको तब मिलेगा जब गवर्नमेंट इसके आगे का नोटिफिकेशन आउट करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, नेक्स्ट वेबसाइट पर लेके चलती हूँ आपको। तो अभी हम यहाँ वेबसाइट पर हैं। ठीक है, वेबसाइट पर हैं और भी कुछ नोटिफिकेशन आए हुए हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको। डेस्कटॉप साइट पे कर लिया है। आप सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस। तो मैंने इम्पॉर्टेंट नोट आपको पढ़वा दिया है। ठीक है, आपने पढ़ लिया है। अब मैं आपको रिजल्ट ओपन करके दिखा देती हूँ। हम रिजल्ट में गए। ठीक है, ओपन किया। ओके, तो सामने आपका रिजल्ट आ चुका है, जो कि SGPGIM स्टाफ नर्स के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने CBT एग्ज़ाम दिया था। और ये जो है आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस है, ये आपका रोल नंबर है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ठीक है, और जो आपकी जनरल रैंक बन रही है, यहाँ पर रैंक वाइज लिखा हुआ है। तो अभी जो टॉप वन पे रोल नंबर है, वो उसकी रैंक है 66,333। काफ़ी लंबी चली गई है, एक्सपेक्टेशन नहीं है इनकी। तो हमारे रैंक वन कहाँ पर हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हैं अपना रोल नंबर। मैं आपको इजी मेथड बता देती हूँ। ये जो स्क्रॉल बार दिख रहा है, यहाँ पे आप अपना रोल नंबर टाइप करना। रोल नंबर टाइप करते ही जिस पेज में आपका रोल नंबर होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो शुरुआत में जो रोल नंबर है, काफ़ी ज़्यादा इनके रैंक नंबर्स हैं। थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा कम रैंक के लिए, जो कि मिलनी मुश्किल पड़ रही है। थोड़ी कम रैंक यहाँ में दिख रही है 754 पे, जो कि एक मेल है 81 स्कोर के साथ। 248 रैंक है, ये 3 डिजिट वाली रैंक है। अभी तक कोई 2 डिजिट या 1 डिजिट वाली रैंक अभी तक दिखी नहीं है। काफ़ी बड़ी बड़ी रैंक आई हुई हैं। तो अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी डेट डिसाइडेड नहीं है, तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे ही डेट डिसाइडेड हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पे चाहिए SGPGIM के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना होगा चैनल को सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।